अस्सलाम वालेकुम सिद्धू भाई, ब्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आज एज यूजुअल वीडियो मैं बना रहा था ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने आपको एक अपने बाग का भी नज़ारा कर दूं। बाग नहीं से कह सकते हैं, मिनी लॉन, जहां पे सुबह सुबह कभी मैं वॉक भी करता हूं। तो मैं सोचा आपको उसके कुछ दरख्तों पे फल लगे हैं ये भी दिखाऊँ, ताकि आपको पता चले कि अभी सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दी का मौसम का जो फल है वो तैयार हो चुका है। तो हमारे जो लॉन में लगे हैं, एक तो नींबू का पौधा है जिसके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये लगे हुए हैं चाइना का, ये नींबू है। तो इसमें अभी आपको सही नज़र आ रहा होगा, ये देखें छोटे छोटे इसके नींबू तैयार हैं और 10-15 दिन में ये तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अमरूद है माशाल्लाह, अमरूद का दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए अमरूद। उम्मीद तो है, उम्मीद तो कर सकते हैं इस पर के जल्दी ये तैयार हो जाए 10-15 दिन में माशाल्लाह। बाकी ये मौसम्मी को हमने एम्प्टी कर दिया, इस पर थे तकरीबन 15 मौसम्मी लगे हुए थे। स्टार्टिंग फेज है इसका, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अच्छे लगेंगे। बाकी ये एक अनार का दरख्त है जो मेरे ख्याल से बेहतर नशोनुमा नहीं हुई इसकी, या कोई खाद वगैरह नहीं टाइम पे लगी, तो ये सूखा सा है लेकिन जैसे पतझड़ है शायद इस वजह से। ये अंजीर का दरख्त है, तो इस पर अभी अंजीरें लगी है लेकिन वो बाहर गिर रही हैं या अंदर गिर रही हैं उसका कोई हमें पता नहीं, कभी हमें इसके खाने का तरीका भी मालूम हुआ। तो बाकी वो दूसरे पौधे हैं आर्टिफिशियल से, ये है सिट्रस जिसे आमतौर पर यहाँ खट्टियाँ कहा जाता है। यहाँ कुछ लगे भी हैं अंदरूनी साइड पे, बैरूनी साइड पे काफ़ी हैं, तो मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आपको कुछ नज़र आए हो येलो कलर का, ये अंदरूनी तो हमारा ऑफिस बॉय है वही नहीं छोड़ता, वो ले जाता है सारे। तो अब इसको मैंने चेक नहीं किया, आज मैं उसे कहूँगा कि उतार के चेक करवाए कि ये सिट्रस है या कुछ और ही मिक्सचर बना हुआ है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में लगे थे तो गिरते थे तो बहुत खट्टा था ये। अब इसका देखते हैं टेस्ट में कोई फ़र्क आया या नहीं। येलो तो हो गया है लेकिन पता नहीं कब ये इसमें रस में मिठास आती है, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि एक आध दिन में आपको अपडेट करता हूँ इसके बारे में। ये जो अमरूद है ये भी माशाल्लाह अभी तैयार है, नेक्स्ट ईयर इसको भी फल लगेगा। अब इसका ये बिगनिंग फेस है, तो इसकी अगर बेहतर नशोनुमा हुई, इसकी खाद वगैरह टाइम पे मिली, तो ये भी हो जाएगा। बाकी ये आम का छोटा सा दरख्त है, आपको पहले भी दिखाया था, इसको भी टाइम लगेगा। और ये कलियों का है, इसको कली क्यों नहीं लग रही ये भी पता करना पड़ेगा माली से। और ये नींबू का आपको दिखा चुके हैं माशाल्लाह, इसमें काफ़ी फल लगा हुआ है, मैंने उतारा भी है इसमें, वो भी देखें वो ऊपर, तो काफ़ी फल माशाल्लाह ऑलरेडी छोटा छोटा ये देखें आप, तो ये भी देखें। ये चाइना के नींबू हैं, इसमें सदाबहार सारा साल फल लगते रहते हैं। और ये छोटा सा मैंने मोटर की हिफाजत के लिए लकड़ी का छोटा सा मैंने सेटअप बना दिया, ताकि वो पानी वगैरह जो है ना, वैसे तो ये नींबू का सपोर्ट काफ़ी है, नहीं गिरता नींबू के नीचे पानी, लेकिन एक सपोर्ट के लिए एज़ टेम्प्ररी मैंने इसको रिलीफ देने के लिए रखा है, बेनिफिट हो जाएगा लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म हल देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको हमारा छोटा सा लॉन जो हमारा गार्डन है पसंद आया होगा। मेरा भी ऑफिस का टाइम है, मैंने कहा चलो आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, तो वीडियो आपको पसंद आएगी। अब मैं भी ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ, बाइक मेरी रेडी है और मैं अभी ऑफ़िस के लिए मूव करने लगा हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप्स में शेयर करें और वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ। तो और सॉरी, एंड में एक छोटा सा पैगाम दूंगा कि मास्क ज़रूर पहने, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि ये मास्क बहुत ज़रूरी है। कोरोना बहुत पीक पर आ गया है और मास्क अपना मेक श्योर करें कि आप मास्क पहन के रखें। हमारे ऑफिस में तो बहुत ही SOPs पर अमल हो रहा है, लेकिन आप लोग भी अपने एरियाज़ में और सराउंडिंग में देखें मास्क की पाबंदी की जा रही है।
तो ये मैसेज मेरा एंड पे रिकॉर्ड किया गया है, तो उम्मीद करेंगे ये मैसेज आपको ज़रूर पसंद आएगा। छोटा सा मैसेज है लेकिन अपनी जान से बढ़कर नहीं है इंसान, सब कुछ कर लेता है इंसान लेकिन सबसे। और मेरा एक और मैसेज भी है कि सुबह सुबह उठ के वॉक किया जाए, क्योंकि गार्डन में ये देखें आप ग्रीनरी होती है और ये ग्रीनरी आँखों के लिए बहुत सेहतमंद है। और वॉक आप बगैर जूते के करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो ये आँखों को फ़ायदा देता है। तो थैंक यू वेरी मच, और ये मास्क की पाबंदी लाजमी करें। खुदा हाफिज़।